सवाल सर मेरा ये है कि जो लगातार पिछले काफी वक्त से कर्मचारियों की मांग रही है, जो भी एचआरए की बात आप करते हैं, पेंशन का लाभ की बात करते हैं, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने किए जाने की बात करते हैं, मांगे लगातार काफी वक्त से आप लोग करते रहे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव फीडबैक इस मामले में नहीं आता। कारण दरअसल क्या कहता है, क्या राजनीति के बीच आप लोगों की मांग पिस जाती है कि सरकार की मंशा पर सवाल रहता है? नहीं, ये दोनों चीज़ें देखिए, 2012 से हमारा मांग पत्र जो सरकार को दिया गया था जी बराबर वही मांग पत्र है, हमने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की बात थी, जी हमने लखनऊ में, लखनऊ से दिल्ली तक साइकिल रैली निकाली, माननीय प्रधानमंत्री को 40 सांसदों के समर्थन पत्र के साथ अपना ज्ञापन दिया, हमसे कहा गया, सरकार ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे जी, लेकिन सरकार उसके बाद अपने वादे से मुकर गई। और हमारी जो मांगे हैं इसमें एचआरए की बात है, एचआरए की जो बात आज सरकार कर रही है कि हमने घोषणा कर दी है, हमने सरकार से कहा था केंद्र के बराबर हमको आवास भत्ता दिया जाए, सरकार ने कहा हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हमने कहा आप इसको न्यूनतम कर दीजिए लेकिन इस आवास भत्ते को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ दिया जाए। आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष मकान का किराया भत्ता बढ़ता है, मकान किराया बढ़ाया जाता है जी, हमारे कर्मचारियों को ग्रेड पे के हिसाब से मकान भत्ता मिलता है और 10 वर्ष तक नहीं बढ़ता है जी, ये बात बिल्कुल नहीं मानी जा सकती है कि कोई मकान किराए पर अगर लिया जाएगा तो प्रतिमाह मकान मालिक किराया बढ़ा जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को आवास भत्ता महंगाई भत्ते से जोड़ कर दिया जा रहा है, तो हमारी मांग थी, सरकार ने इस पर सहमति व्यक्त की, मुख्य सचिव महोदय सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की गई, हमको लिख कर दिया गया कि हम सरकार इससे सहमत है, हम इस पर शासनादेश जारी करेंगे जी। लेकिन जब जारी किया गया तो उसको 20% बढ़ाया गया जी, हमारे समझौते से बिल्कुल अलग कर दिया गया, मकान किराया भत्ता 20% बढ़ाया गया। कैशलेस इलाज की मांग है, आज प्रदेश में जो स्थिति है कर्मचारियों का आप जानते हैं, कर्मचारियों को जिला अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता है जी, सरकार पैसा देती है लेकिन उसमें इतना भ्रष्टाचार है कि कर्मचारी तक पूरा पैसा नहीं पहुंच पाता है जी, सरकार उस पर पैसा खर्च कर रही है, हमने कहा आप कैशलेस इलाज की व्यवस्था जिस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों की तरह है उस तरह से हमको की जाए, इस पर भी सहमति बनी। इस पर पिछली 13 जुलाई को जब हमने एनएक्सी का घेराव किया था जी, तो उस समय भी सहमति बनी, मुख्य सचिव महोदय ने कहा कि हम इसको 18 की कैबिनेट में, जो 18 जुलाई को कैबिनेट होनी थी जी, उस पर भेजेंगे और इस पर निर्णय करा देंगे जी, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ, उसमें आवास भत्ते की बात केवल रखी गई, वो भी नहीं हो पाया, आवास भत्ता भी घोषित किया गया है। तो ये सारी चीजें हम केवल ये जानना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार इन पर सहमति बनाती है, उन मांगों को क्यों नहीं पूरा किया जाता, उसके लिए क्या तरीका है। हमने 13 जुलाई को मुख्य सचिव महोदय से यही बात पूछी, हमने कहा जिस पर सहमति बन चुकी है उनको पूरा करने में क्या दिक्कत आ रही है, आप हमसे मना कर दीजिए कि हम नहीं कर सकते हैं, हम उस बात को नहीं रखे हैं, हम दूसरा विकल्प लाएंगे, लेकिन जब आप सहमत हैं तो फिर क्या दिक्कतें आ रही हैं ये बताया जाए। और कहीं ना कहीं अफसरशाही है, वो अफसरशाही पूरा काम नहीं होने देती है जिसकी वजह से तमाम दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं, और ये मजबूरी है। 2012 से हम तमाम बार आंदोलन कर चुके, लेकिन आज हम अगर आंदोलन पर गए हैं तो सरकार कि कहीं ना कहीं सरकार के कारण हमको आंदोलन पर जाना पड़ा है, सरकार की कहीं ना कहीं कमी है जिसके कारण हमें आंदोलन करना पड़ा।